नमस्कार, फिर से एक प्रतिवेदन लेके हम लोग खड़े हैं यहाँ ब्लॉक पे। डेंगू के ये ब्लॉक कहा जाता है, बड़ा सा बिल्डिंग है यहाँ पे और इसको ब्लॉक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो सारे डिमांडेड लोग हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, जिस वजह से प्रोटेस्ट किया गया था, उसका जो डिमांड था उसको पूरा एक दो तीन किलोमीटर की रैली ख़त्म करने के बाद यहाँ पे लोग आके बैठे हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से सभी लोग रेस्ट ले रहे हैं अभी। और यहाँ पे इसी ऑफिस में इस गवर्नमेंट ऑफ आसाम महकुमा प्रतिनिधि कार्यालय दिमुख महकुमा ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर, इस ऑफिस में आकर लोगों ने यहाँ पे अभी फिलहाल तो सभी बैठे हुए हैं और जो उनका बिल है, जो कि उनका जो दस्तावेज है जो सरकार को देनी है, ये मोदी के ऑफिस तक पहुँचानी है, वो यहाँ पे ही सबमिट किया जाएगा। इसी दौरान हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा सोचते हैं कि बार बार इस तरह का रैली करते हुए बहुत साल हो गुजर चुका है अब DSU को भी, KSA को भी, और बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, संगठन हैं जिसमें जिन्होंने बहुत सालों से इस रैली को, ऑटोनोमस स्टेट डिमांड को, ऑटोनोमस स्टेट डिमांड विद इन आसाम, इस डिमांड को इन्होंने बरकरार रखा है। और ये आर्टिकल 244 एक डिमांड आज से नहीं, 1969 से ही, जब से ये इम्प्लीमेंट हुआ था तब से ही इसको इसके लिए कोशिश कर रहे हैं ये स्टेट डिमांड और कार्बी आंग्लम के जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट विंग्स है, सभी ने इसको लगातार कोशिश किया है। और पिछले कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर में भी जाके इन्होंने अपना जो रैली है उसको, रैली के दौरान ये डिमांड को उठाया था जंतर मंतर पे। तो हम कुछ बुजुर्ग लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पे डिमांड्स आपको उससे पहले दिखाई दे, वी वांट स्टेट लिखा हुआ है, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे स्लोगन्स यहाँ पे इन्होंने निकाला था आज रैली के दौरान, और जबकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत लोग हैं जो थक गए हैं, बहुत लोग हैं जो आधे में ही छोड़ के चले गए हैं। इस स्लोगन को सुनिए, नो रेस्ट का एक स्लोगन यहाँ पे लगा हुआ है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए जो थक गए हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनका क्या चल रहा है और क्या वो सोचते हैं आर्टिकल 244A के लिए। आप यहाँ के लोकल हैं? हम यहाँ का लोकल है, অটোনোমাস স্টেট ডিমান্ড কমিটি ডিমান্ড করা আমার লং স্ট্যান্ডিং ডিমান্ড আছে, আজিলকে আমার এই ইমপ্লিমেন্ট হওয়া নাই, গতিকে আমার ডিমা আসা রাইজ সকলে আমার অটোনোমাস স্টেটও আমাক লাগিব আর দিবই লাগিব, এইটা আমার আমার ডিমান্ড হয়। আজি 1969 যেতিয়া এইটো একটো ইমপ্লিমেন্ট হৈছিল ভাৰত চৰকাৰৰ তাত কনষ্টিটিউচনত, তাৰ পিছত আজিলৈকে প্ৰটেষ্ট কৰি থকা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে, মোটামুটি প্ৰত্যেক বছৰে, কিন্তু তথাপিও চৰকাৰে কিয় ইমান বেছিকৈ ধ্যান দিয়া নাই? প্ৰথমতে আমাৰ ডিমা আছাও আৰু কাৰ্বি আংলং মিলি ফাৰ্ষ্ট আমি যেতিয়া মই দেখা পাইছোঁ 1979 পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অটোনোমাস ষ্টেট ডিমাণ্ড কমিটি বুলি কৰিছোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত কিছুমান আমাৰ হেৰাই গৈছিলে দেই, কিছুমান নাইকিয়া হৈছে, আকৌ এতিয়া উঠি আহিছে, গতিকে আমাৰ দাবী অটোনোমাস ষ্টেটটো আমাক দিবই লাগিব। আমি আমাৰ ডিমা আছাও ৰাইজসকলে আমাৰ ডকুমেণ্ট কৰি আছে, আমাৰ দাবী এই দাবীটো যাতে চৰকাৰে মানি লয়, আমি চৰকাৰক এই আমাৰ অনুৰোধ। इन्होंने बोला है कि ये अनुरोध है सरकार को उन्होंने डिमांड नहीं किया, इन्होंने अनुरोध किया है कि आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि ये आर्टिकल 244A जो है ये एक लीगल आर्टिकल है जो कि हिल स्टेट कार्बी आंग्लों और डिमांड को लेकर खास करके बनाया गया था 1969 में। जो बुजुर्ग है यहाँ पे उनका डिमांड क्लियर है कि
किस तरह का उनका डिमांड है। तो हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है और हम बात करेंगे हमारे डिमांड के सीनियर लोगों से। जो एक शब्द बोलने के लिए आपको अटूट से में मौका मिला। ये आज 27 अगस्त हम लोग का जेडविन दिमाग सिविल सब्जेक्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये सिविल सब्जेक्शन 16-28 फरवरी में ऑनरेबल सीएम कौंसिल और कमिश्नर अप्रोच प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी इनॉग्रेशन किया था, मे भी म्यूजिक प्रेजेंट था। तो अभी 10 साल होने वाला है, अभी तक कुछ इसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये यहाँ के बहुत बुजुर्ग लोगों का कहना था कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, इससे ज़्यादा उत्तेजक परिस्थिति का सामना सरकार को ना करना पड़े और किसी को भी ना करना पड़े, उसके लिए ही वो बोल रहे थे कि पीसफुली सभी कुछ हो रहा है अब तक, और इस पीसफुल सिचुएशन को खराब ना करें और सरकार जल्द से जल्द इस डिमांड को जो है पूरा करने की कोशिश करे। एटलीस्ट शुरुआती स्तर पर शुरू तो करें, पूरा करने का जो प्रावधान है उसमें पहला कदम रखे सरकार। इसी के डिमांड यहाँ के बुजुर्ग लोग भी कर रहे थे। तो विजन नोटिस टीवी आगे का प्रतिबंध में आपको लगातार दिखाते रहेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आज क्या होने वाला है दिन भर का इस मास रैली में। तो इसके बाद का प्रतिबंधन के लिए देखते रहे विजन नोटिस टीवी। विजन नोटिस टीवी देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।